ठीक ठाक है, कुछ पढ़ाई लिखाई चल रही है? कुछ पढ़ा था आपने? नहीं पढ़ा था? चले चले, हम आज का वर्ड शुरू करते हैं। स्पीड ऑफ व्हीकल, इज मेजर्ड इन माइल्स पर आवर बट लाइफ इज मेजर्ड स्माइल पर आवर। सो इंक्रीज योर स्माइल टू हैव एक्स्ट्रा माइलेज इन लाइफ। थोड़ा सा बड़ा है, खैर कोई बात नहीं। स्पीड ऑफ व्हीकल इज मेजर्ड एम ई है, कभी कभी छूट जाता है, एम ई ए मेजर्ड इन माइल्स पर आवर बट लाइफ इज मेजर्ड स्माइल पर आवर। सो इंक्रीज योर स्माइल टू हैव एक्स्ट्रा माइलेज इन लाइफ। मतलब मुस्कुराते रहिए तो जीवन आसानी से बीत जाएगा। कहने का मतलब यही है कि परेशानियां तो जिंदगी में आती रहती हैं, लेकिन हमेशा हंस के उसका सामना करिए, संघर्ष करिए और उसका सामना करें, पलायन न करें, फाइट एंड फ्लाइट। तो समस्याओं से भागते हैं यानी पलायनवादी हैं या संघर्षवादी हैं, ये आप पे निर्भर करता है। तो यही इसका मेन है। ये द स्पीड ऑफ व्हीकल इज मेजर्ड इन माइल्स पर आवर बट लाइफ इज मेजर्ड स्माइल पर आवर। सो ये इंक्रीज योर स्माइल टू गेट या टू हैव एक्स्ट्रा माइलेज इन लाइफ। ठीक है, ये ठीक है, फोकस करो। हो गया, मिटा दे। अच्छा, चलिए। कल हमने डिस्कस किया था फंक्शनल ट्रेट एंड पर्सनालिटी ट्रेट ऑफ द इंस्ट्रक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्ट्रक्टर्स। तो फंक्शनल ट्रेट में पहला था प्लान द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब प्लान द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस में दो तीन पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, कुछ याद है उसमें? पहला पॉइंट क्या था? पीछे देखने लगे सभी हैं? पहले तैयारी करना। चलिए, जो पढ़ाना है कक्षा में या जो वर्कशॉप में पढ़ाना है उसकी पहले तैयारी करना। दूसरा पॉइंट, चलो आप आगे बताओ, पीछे बताओ भाई, इधर बताओ। दूसरा पॉइंट क्या था? पीछे देखा करो भाई, थोड़ा कम से कम तीन ही चार पॉइंट तो है यार, इतना तो देख के याद कर लिया करो। नहीं, वो तो दूसरा पॉइंट है, मैं पहले का दूसरा पॉइंट पूछ रहा था। टीचिंग एड मैंने बताया दो तरह के होते हैं। कौन कौन से दो तरह के हैं? पहला अब लिख के लिख रहे हो किसके लिए? आगे के लिए? ऐसा नहीं कि यहीं पे काम आएगा, आप इसके बाद जहाँ भी एग्जाम देने जाओगे, आजकल जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं स्पेशली फॉर टीचर्स के लिए, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, सब में जनरल नॉलेज में ये सब आता है। केवल वोकेशनल में ही नहीं, एजुकेशनल में भी ये यूज़फुल है। तो
तो ऐसा नहीं है, पीछे का थोड़ा सा यार ध्यान रखो, क्योंकि फिर अगर आप नहीं बता पाओगे तो मुझे लगता है यार मेरा क्लास अच्छा नहीं है, तो मेरा भी एक मोटिवेशन जाएगा कि फिर जल्दी जल्दी ख़त्म कर लो। तो इसलिए पीछे का थोड़ा पढ़ो, थोड़ा सा ही। मैंने बताया था दो तरह के होते हैं, पिक्टोरियल ऑब्जेक्ट एंड कंक्रीट ऑब्जेक्ट, एक पिक्चर होता है और एक कंक्रीट ऑब्जेक्ट होता है, तो टेनिंग एड आप बनाते हैं, ठीक है। तो पीछे का थोड़ा सा आप देखिए, चलिए आज हम, कल ही मैंने बताया था आपको, आज हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्टर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्टर, अनुदेशक का दायित्व, जिम्मेदारियां क्या होती हैं। तो जैसा आप जानते हैं, इन एनी इंस्टीट्यूट इन कंसर्न टू द टीचिंग, इंस्ट्रक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यानी शिक्षण के संदर्भ में किसी भी संस्थान में अनुदेशक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। कोई भी शिक्षण संस्थान हो, उसका कार्य होता है कि वह अपने विद्यार्थियों को समुचित शिक्षण सामग्री समग्र तरीके से समय पर उपलब्ध कराए, और यही उस प्रशिक्षण संस्थान की प्रभावशीलता को भी दर्शाता है। इस प्रभावशीलता को, यानी प्रशिक्षण संस्थान के इफेक्टिवनेस को बनाए रखने में इंस्ट्रक्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है। ऑपरेशनल एक्टिविटी, जैसे यहाँ पर ही है, कहीं पर भी किसी इंस्टीट्यूट की जो शिक्षण से संबंधित क्रियाकलाप हैं, उसमें अनुदेशक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, तो उसके कुछ दायित्व तो भी होते हैं। अब ये दायित्व तो क्या है, कैसे होते हैं, टूअर्ड इसके तरफ, टूअर्ड्स हिमसेल्फ, यानी स्वयं के प्रति भी उसका कुछ दायित्व तो है, टूअर्ड हिमसेल्फ, टूअर्ड इंडस्ट्रीज, टूअर्ड्स लर्नर, टूअर्ड्स प्रोफेशन, टूअर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन, एंड नेशन एंड टूअर्ड्स नेशन एंड सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रक्टर्स। तो ये जो छह रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, इसको आप जरूर याद कर लें, हिमसेल्फ यानी स्वयं के प्रति, उद्योगों के प्रति, प्रशिक्षणार्थियों के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति, प्रशासन के प्रति, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, नेशन एंड सोसाइटी समाज और देश, समाज और राष्ट्र के प्रति। तो ये मेन दायित्व तो होते हैं। अब इतना मैंने ऊपर बता ही दिया है, तो एक एक दो दो तीन तीन पॉइंट हम इसमें बताएंगे, ज़्यादा नहीं सब में, और कोशिश करेंगे हम 10 मिनट 15 मिनट में इसको ख़त्म करें। आप इसको बस लिख लें, एक बार हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में लिख लें, स्वयं के प्रति, यह है उद्योगों के प्रति, उद्योग इंडस्ट्री उद्योगों के प्रति, विद्यार्थियों या प्रशिक्षणार्थियों के प्रति, व्यवसाय के प्रति प्रोफेशन यानी व्यवसाय, जो भी व्यवसाय है उस व्यवसाय के प्रति उसका कुछ दायित्व होता है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी हर संस्थान का एक प्रशासनिक विभाग होता है, तो उस विभाग के प्रति उसका दायित्व, और बट नेचुरल जिस समाज में हम रहते हैं तो
तो समाज और राष्ट्र के प्रति भी हमारा कुछ दायित्व तो बनता है। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि ये मत पूछो कि तुम्हारा देश तुम्हें क्या दिया, यह पूछो कि तुमने देश को क्या दिया। व्हाट यू हैव गिवन टू योर नेशन इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट नेशन हैज गिवन टू मी। तो ये कोशिश करिए कि हमने क्या दिया। ठीक है, चले हो गया। पहला है इसमें हिमसेल्फ, तो हमेशा हैव, ये तो पहले भी बताए, ज्यादा जरूरत नहीं इसमें, हैव डिसेंसी, डिलीजेंसी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। यानी अनिदेशक में एक डिसेंसी यानी सौम्यता, पहले मैंने बताया था इसको, डिलीजेंसी मतलब लगनशीलता, श्रम का भाव जिसे कहते हैं आप, और सेल्फ रेस्पेक्ट यानी स्व सम्मान, अपने प्रति लगनशीलता, सौम्यता और स्व सम्मान अवश्य होना चाहिए। अपना सम्मान आप करेंगे तभी आप दूसरों का सम्मान करें कि मेरे अंदर कुछ है, आई कैन डू इट, तो वो जरूरी है, हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। दूसरा पॉइंट आप लिख लें, मेंटेन कॉर्डियल रिलेशन विथ प्री पीयर एंड पोस्ट, मेंटेन कार्डियल रिलेशन विथ प्री पीयर एंड पोस्ट। कार्डियल रिलेशन तो पहले ही मैंने बताया था, अच्छा व्यवहार। प्री का मतलब होता है किसी काम से पहले, पोस्ट का मतलब बाद में, पीयर का मतलब साथ में। तो यहां प्री का मतलब है जो आपसे कनिष्क हो, यानी जो जूनियर हो, कनिष्क, उन्हें हम प्री कहते हैं। पीयर का मतलब सहपाठी आप कह लें, या सहयोगी या सहभागी, सहपाठी भी यहां लिख लें चलिए आपके संदर्भ में, और ये वरिष्ठ यानी अपने कनिष्क सहयोगी या सहकर्मी जिसे आप कह लें, जब काम आप करेंगे तो कनिष्क सहकर्मी और वरिष्ठ के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखें, अच्छा व्यवहार बनाए रखें या बनाने की कोशिश करें, ये भी जरूरी है। हमेशा एक अच्छा व्यवहार आप बनाएं उसको, मेंटेन। तीसरा पॉइंट आप लिख लें, मेंटेन डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है सम्मान भाव, डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन, यानी जो आपका कार्य है उस कार्य का सम्मान करें या उसका सम्मान बनाए रखें। मेंटेन द डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जहां भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है, जिस पद पर भी हैं, जहां भी हैं, तो मेंटेन द डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन, जो भी आपका कार्य है उस कार्य का सम्मान करें। कहने का अर्थ ये है कि उस कार्य का आप सम्मान जब आप करेंगे तो उसके प्रति आपको एक लगन का भाव स्वतः ही डेवलप होगा। तो ये दो तीन पॉइंट और भी बहुत हो सकते हैं, मैंने जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताया है, ट्रेट्स बताए हैं, रोल बताए हैं, क्वालिटीज बताए हैं, वो सब इसमें आता है, इसलिए हम ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, हो गया, आगे चले। तो दूसरा है इंडस्ट्री,
इंडस्ट्रीज के प्रति अनुदेशक का क्या कर्तव्य होता है, तो पहला तो यही है मेंटेन मेंटेन ए पीसफुल पीसफुल रिलेशन विथ इंडस्ट्री। तो जो भी अगल बगल की इंडस्ट्री तो उससे एक अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करे अनुदेशक। ये जरूरी है कि आप इंडस्ट्रीज के साथ एक अच्छा संबंध बनाएं। दूसरा पॉइंट आप लिख लें, एडवांस एडवांस टेक्निक ऑफ इंडस्ट्री मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड must be incorporated in syllabus of the trade। advanced technique of industry must be incorporated यानी सम्मिलित करना, incorporate यानी सम्मिलित करना इन द सिलेबस ऑफ ट्रेड। होता भी है, हर चार साल में हर ट्रेड को रिवाइज किया जाता है। तो उद्योगों की जो नवीनतम तकनीक है, उद्योगों की नवीनतम तकनीक को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना, उद्योगों की नवीनतम तकनीक को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना, जिससे कि विद्यार्थी को उद्योग में क्या क्या मशीन है और कैसे चलती है उसका पता चलता रहे। तो उद्योगों की नवीनतम मशीन को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना। हो गया? हो गया? नहीं? इनवाइट, अगला पॉइंट तीसरा लिख लें, इनवाइट द एक्सपर्ट इनवाइट द एक्सपर्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज टू कंडक्ट द क्लासेस टू कंडक्ट द क्लासेस at regular interval invite 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 the expert from industries to conduct the classes at regular interval yani उद्योगों के विशेषज्ञ को उद्योगों के विशेषज्ञ को नियमित अंतराल पर बुलाकर कक्षा संचालन के लिए कहना या आमंत्रित करना। उद्योगों के एक्सपर्ट को नियमित अंतराल पर बुलाकर कक्षा संचालन के लिए आमंत्रित करना, यानी थियरी और ट्रेड हैं, ट्रेड को हैं जो उसको लेने के लिए आप उनको बुलाएं समय समय पर। तो उद्योगों के एक्सपर्ट को नियमित अंतराल पर बुलाकर कक्षा संचालन के लिए आमंत्रित करना। और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, मैं तीन तीन ही पॉइंट लिखाऊंगा, इसमें बहुत पॉइंट बन सकते हैं, आप अपने से देख लेंगे क्या हो सकता है। अगला हम चले, अगला क्या है, लर्नर। लर्नर के लिए
तो लर्नर के लिए तभी तक बहुत कुछ बताया गया है, सब लर्नर के लिए ये था, जो कि इस रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटीज वो सब लर्नर के लिए ही था। बल सो प्रोवाइड प्रोवाइड कुछ भी फिर भी लिख दे, प्रोवाइड प्रॉपर लर्निंग एक्सपीरियंस provide proper learning experience through proper method through proper method to achieve learning objective provide proper learning experiences provide proper learning experiences through proper method d hai ye p nahi hai through proper method to achieve the learning objective yani provide proper learning experiences through proper method to achieve the learning objective har class ka ek uddeshy hota hai उद्देश्य प्राप्त करना ही हमारा मुख्य लक्ष्य होता है। तो उचित इसमें आप लिख ले उचित सीखने का अनुभव उचित सीखने का अनुभव उचित तरीके के माध्यम से उचित सीखने का अनुभव उचित तरीके के माध्यम से प्रदान करके सीखने के उद्देश्य को प्राप्त करना उचित सीखने का अनुभव लर्निंग एक्सपीरियंस उचित सीखने के माध्यम से प्रदान करके सीखने के उद्देश्य को प्राप्त करना प्रदान करके सीखने के उद्देश्य को प्राप्त करना उचित सीखने के अनुभव को उचित तरीके के माध्यम से प्रदान करके सीखने के उद्देश्य को प्राप्त करना ये मेन है। जो भी सिंपल बात है हमारी एक ऑब्जेक्टिव है हर डे में, जैसे लेसन प्लान अभी आएगा आगे हम देखेंगे उसमें, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ऑब्जेक्टिव होता है। चाहे आप 10 मिनट 15 मिनट एक घंटे दो घंटे जो भी क्लास ले, तो टीचर को ये डिसाइड करना होता है कि आज मैं अगर आधा घंटे क्लास ले रहा हूँ तो इस आधे घंटे में मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य पूर्ण होगा, सिलेबस का कितना भाग मैं कवर कर लूंगा, कौन सी दक्षता विद्यार्थियों को दे दूंगा, ज्ञान का कितना भाग मैं दे दूंगा, और फिर समापन पर उसका आकलन करना कि जो मैं सोच के आया था क्या दे सका, कर सका, नहीं तो क्यों, क्या कमी रही, तो अगले क्लास में उसे फिर आप सुधारने की कोशिश करें। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, शिक्षक का शिक्षण कार्य एक कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन है। मैं सुबह सुबह आके आपसे क्यों पूछता हूँ, जिससे मुझे पता चले जो कल बताया था कुछ याद है। अगर एकदम आपका चेहरा ब्लैंक होता है तो लगता है कि यार फिर से दोहराना है क्या उसको, तो इसीलिए क्योंकि लगता है उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई जो हुआ, तो ये बहुत जरूरी है। ये टीचर का एक लर्नर्स के प्रति एक दायित्व होता है। और जैसा कल था, कल का वही पॉइंट एक में फिर से रख देता, टीचर मस्ट बी फेयर, दूसरा पॉइंट है ये फेयर फॉर्म बट फ्रेंडली, विथ लर्नर या इस सेंटेंस को आप पूर्ण करना चाहते हैं, यहां बी लिख लें, बी बी ई बी फेयर फर्म बट फ्रेंडली विथ लर्नर, बी ई बी बी का मतलब रहिए, बी ई बी फेयर फर्म बट फ्रेंडली विथ द लर्नर,
निष्पक्ष कठोर लेकिन विद्यार्थियों के साथ मित्रवत रहें। विद्यार्थियों के साथ निष्पक्ष कठोर लेकिन मित्रवत रहें। इसी में एक और या इसी का एक दूसरा रूप भी है। हाँ फिर से बोलना है, हो गया? अच्छा दोबारा बोल दो। अच्छा हाँ, विद्यार्थियों के साथ निष्पक्ष कठोर लेकिन मित्रवत रहें। विद्यार्थियों के साथ, इसलिए मैं धीरे बोलता हूँ, फिर भी अगर नहीं आप तो लिख सकें तो फिर से आप पूछने में बोल दूंगा। विद्यार्थियों के साथ निष्पक्ष कठोर लेकिन मित्रवत रहें। इसी का दूसरा भी आप एक रूप कर सकते हैं, आइसोलेट बट डू नॉट इंसुलेट। मतलब एक दूरी बनाए, बट इतना भी दूरी ना बनाए कि आपसे मिलना ही संभव ना हो सके। कहने का अर्थ यही है, आइसोलेट एक दूरी बना के रखें। अब दो सहपाठी, आप विद्यार्थियों के सहपाठी नहीं हैं, आप शिक्षक हैं, तो शिक्षक की एक गरिमा होती है, तो उस गरिमा के अनुसार आपको एक थोड़ा सा उनसे एक गैप बना के तो रखना होता है। बट इतना भी गैप ना हो जाए कि कोई आपसे मिल ना सके, कोई आपसे बोल ना सके, वो ना हो, तो उसे इंसुलेट नहीं होना चाहिए। आइसोलेट बट डू नॉट इंसुलेट, उसका मतलब वही है। और जैसे ग्रेडिंग में, इवेल्युएशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, सेशनल मार्क्स में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या हुआ? अच्छा अच्छा तो उसके लिए भी फेयर रहना चाहिए। कैरी आउट, अगला पॉइंट आप लिख लें, बस ये तीसरा पॉइंट होगा, कैरी आउट प्रॉपर टेस्टिंग इवेल्युएशन एंड ग्रेडिंग। ऑफ ट्रेनीज कैरी आउट प्रॉपर टेस्टिंग इवेल्युएशन एंड ग्रेडिंग। टेस्टिंग का मतलब परीक्षण, टेस्टिंग का मतलब ये परीक्षण होता है। इवेल्युएशन का मतलब मूल्यांकन। ग्रेडिंग का मतलब होता है क्रमबद्ध करना, लेकिन आप ग्रेडिंग याद रखें, क्रमबद्ध या सूचीबद्ध करना, यानी ग्रेड किसका अच्छा है। बट आज एनएसक्यूएफ के अनुसार अब ग्रेडिंग नहीं रह गया, अब वो एक आ गया है नया टर्म, ट्रेनीज पोर्टफोलियो, शायद आईटीआई में आपको बताया गया हो, मालूम है? चले आगे आएंगे तो हम उसको बताएंगे, अभी है सातवां लेसन जब आएगा ट्रेड टेस्टिंग, तो ट्रेनीज पोर्टफोलियो एनएसक्यूएफ जब आएगा आगे तो हम उसमें बताएंगे ट्रेनीज पोर्टफोलियो क्या होता है। एक रिकॉर्ड बनाना होता है और वो इंस्ट्रक्टर मेंटेन करता है, क्योंकि जनरली सेशनल मार्क्स में काफ़ी कन्फ्यूज़न आते हैं कि किसी का सेशनल मार्क्स ज़्यादा दे दिया, हालांकि वो क्लास में नहीं आता था, मैं तो रेगुलर क्लास में आता था, मेरा सेशनल मार्क कम से हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये ट्रेनीज पोर्टफोलियो बनाया गया है कि क्लास में या वर्कशॉप में जो भी आपका कार्य रहेगा उसका एक रिकॉर्ड इंस्ट्रक्टर अपने पास रखेगा, और अगर प्रिंसिपल सीनियर या कोई भी फोरमैन मांगता है उसे तो उसको दिखाएगा, और उसी बेस पर वो फिर सेशनल मार्क्स देगा, तो जिससे ये एक इम्पार्शियलिटी का लगता है, तो उसके लिए एक रिकॉर्ड रहेगा। तो कैरी आउट प्रॉपर टेस्टिंग इवेल्युएशन एंड ग्रेडिंग ऑफ द ट्रेनीज, यानी विद्यार्थियों का परीक्षण मूल्यांकन और ग्रेडिंग ही लिख लें, क्रमबद्ध में कन्फ्यूजन होगा। विद्यार्थियों का परीक्षण मूल्यांकन और ग्रेडिंग उचित प्रकार करना, प्रशिक्षणार्थियों का परीक्षण
मूल्यांकन और ग्रेडिंग उचित प्रकार करना, और ग्रेडिंग उचित प्रकार करना, ठीक है, हो गया, मिटा दे। चलिए अगला, प्रोफेशन। एफ ए प्रोफेशन यानी व्यवसाय के प्रति तो एक सत्यनिष्ठा होनी ही चाहिए। तो प्रोपेंसिटी टू डेवलप, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है चाहत। हिंदी पिक्चरों में कितने गाने आप सुनते होंगे, मेरी चाहत है, वो याद करेंगे तो बहुत गाने आपको याद आ जाएंगे। तो उस गानों पर मैं नहीं जाऊंगा, हम इस चाहत की बात करते हैं। प्रोपेंसिटी टू डेवलप यानी अपना विकास करने की एक चाहत होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, अपने विकास की इच्छा हो आप में। फिल्मी गाने की चाहत तो सबको है, बट अपने विकास की चाहत कितने लोगों की है। मैंने पहले दिन आपको बोला था, हिंदी या इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़िए, हिंदी या इंग्लिश के कुछ वर्ड्स किसी ने याद किया है, दो चार वर्ड्स। मैंने पहले दिन का जब क्लास शुरू किया था तो उस दिन आपसे बोला था कि हिंदी या इंग्लिश का न्यूज़पेपर जरूर एक दो पेज पढ़िए और उसमें देखिए कि कौन से ऐसे हिंदी के वर्ड्स हैं या इंग्लिश के वर्ड हैं जिसका अर्थ आपको नहीं आता है, या हिंदी का वर्ड उसका अर्थ आता है लेकिन देखिए कैसे ये यूज़ किया गया है। स्पेशली हिंदी का जो संपादकीय पेज होता है बीच वाला, और इंग्लिश का एडिटोरियल पेज, उसमें देखिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, हो सकता है आप वर्ड्स जानते हो लेकिन उसको यूज नहीं कर पाएंगे, कहाँ यूज करें, कैसे यूज करें, तो उसमें देखिए आपको मिल जाएगा सेंटेंस, तो उस सेंटेंस को लिख के देखिए कि अच्छा है, और जब आप बोलते हैं तो कोशिश करिए कि उसको आप कहीं ना कहीं घुमा के यूज करने, तो इससे आपका स्पीकिंग पावर बढ़ता है। तो यही तरीका होता है, बट किसी ने देखिए नहीं किया। मैंने फर्स्ट डे जब शुरू किया था वहां पे नीचे, तो पहले दिन ही बोला था कि आप अपने में कुछ न कुछ विकास करने, कुछ न कुछ नया, आज और कल में नया है, एक एक शब्द आप ढूंढेंगे कि एक शब्द मैं डेली याद करूंगा हिंदी या इंग्लिश का, तो 30 दिन में 30 शब्द हो जाएगा, तो 30 नहीं तो 20 10, एक महीने में कम से कम 10 नया शब्द आ गया तब भी बहुत है। तो प्रोपेंसिटी टू डेवलप, एक विकास की इच्छा होनी चाहिए, और अनुदेशक में तो बहुत जरूरी है कि स्वयं के विकास की इच्छा उसमें कभी खत्म न हो, वो हमेशा उसका रहे, प्रोपेंसिटी टू डेवलप। वेल एडजस्टेड, वेल एडजस्टेड टू टीच थियरी एंड प्रैक्टिकल, वेल एडजस्टेड टू टीच थियरी और प्रैक्टिकल यानी थियरी और प्रैक्टिकल को अच्छी तरह से पढ़ाने में सक्षम हो, थियरी और प्रैक्टिकल को अच्छी तरह पढ़ाने में सक्षम हो। वेल एडजस्टेड टू टीच थियरी एंड प्रैक्टिकल, वेल एडजस्टेड टू टीच थियरी एंड प्रैक्टिकल, थियरी और प्रैक्टिकल को अच्छी तरह पढ़ाने में सक्षम हो। चलिए तीसरा पॉइंट लिख लें, ऑफर सेल्फ इवेल्युएशन, ऑफर ओ डबल एफ ईयर, ऑफर यानी ऑफर का मतलब देना होता है, ऑफर सेल्फ इवेल्युएशन, सेल्फ यानी स्वयं, इवेल्युएशन मूल्यांकन यानी स्वयं का मूल्यांकन करे। कल भी मैंने बताया था मूल्यांकन के 3 तरीके, पर्सनल इवेल्युएशन या सेल्फ पर्सनल इवेल्युएशन, दूसरा था सेल्फ रेटिंग या सेल्फ चेकलिस्ट जिसे आप कहते हैं, और तीसरा था रेटिंग स्केल। तो ये 3 वो सेल्फ इवेल्युएशन ही है, सेल्फ इवेल्युएशन का ही तरीका है। तो ऑफर सेल्फ इवेल्युएशन, स्वयं मूल्यांकन करने की कोशिश करें, जो भी है कि किस तरह है।
एक चलिए पीछे हमने बहुत बताया है तो ज़्यादा इसमें नहीं करेंगे, तीन तीन पॉइंट ही मैं इसलिए लिखा रहा हूँ सब में। आगे क्या रह गया इसके बाद? एडमिनिस्ट्रेशन, हैव कार्डियल रिलेशन विथ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के साथ। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन, प्रशासन के साथ मधुर संबंध बनाए रखना, प्रशासन के साथ मधुर संबंध बनाए रखना। हैव कार्डियल रिलेशन विद द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के साथ मधुर संबंध बनाए रखना। प्रशासन के साथ मधुर संबंध बनाए रखना। ओबे रूल्स एंड प्रोविजंस, प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान, और रूल का मतलब तो आप जानते ही नियम, नियम और प्रावधान का पालन करना। यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो नियम दे दें, कुछ सर्कुलर्स आते हैं, जैसे एक आर्डर होता है एक सर्कुलर होता है। तो एक आर्डर तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, सर्कुलर जो होता है एक लोकल होता है। तो उसी तरह से प्रोविजंस एंड रूल्स, तो नियम और प्रावधान का पालन करना, नियम और प्रावधान का पालन करना। तीसरा आप लिख लें, मिटा दें उसको, इंटरप्रेट इंटरप्रेट द ऑर्डर्स पॉजिटिवली एंड ट्राई टू कंप्लाई इट। इंटरप्रेट यानी व्याख्या करना, व्याख्या करना, यानी कोई ऑर्डर अगर निकलता है तो उसकी हम व्याख्या करते हैं। पॉजिटिवली यानी सकारात्मक रूप से, कंप्लाई मीन्स अनुपालन करना। तो किसी भी आदेश की सकारात्मक व्याख्या करना, किसी भी आदेश का, या कि जो लिख लें, किसी भी आदेश का सकारात्मक व्याख्या करना और उसका अनुपालन करना, किसी भी आदेश का सकारात्मक व्याख्या करना और अनुपालन करना। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशंस के ऑर्डर्स हैं, कभी कभी लोग निगेटिव भी सोचते हैं, ऐसा ऑर्डर क्यों है, हो सकता है कुछ परेशानियां हो सकता है कि नहीं सबको 9 बजे आना है। अब जो लेट कमर्स हैं उनके लिए तो परेशानी होगी, तो बट ठीक है, अनुदेशक को हमेशा समय पर तो आना ही होता है, तो इसलिए वो उसका पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन करे और कोशिश करे कि वो उसका पालन भी करे, अनुपालन भी करे। चलिए अगला क्या है, नेशन, अच्छा लास्ट हो गया, नेशन एंड सोसाइटी। नेशन एंड सोसाइटी का मतलब यहां ये है कि शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य में कुछ बताता है, उसके साथ साथ कुछ सामाजिक चेतना भी उनको बजाए, कुछ उनको नैतिकता भी बताए, तो उसका विद्यार्थी कुछ अच्छी चीज़ें सीखे, तो यह विद्यार्थी के लिए है कि इसका दायित्व है। मतलब शिक्षक का ये दायित्व होता है कि वो अपने विद्यार्थियों को एक अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करे। तो पहला पॉइंट है इंस्पायर द ट्रेनिस
inspire the trainees to become good citizen. Inspire the trainee to become good citizen. विद्यार्थियों को अच्छा नागरिक बनने के लिए उत्साहित करना. विद्यार्थियों को अच्छा नागरिक बनने के लिए उत्साहित करना. आधा घंटा हो गया, 15. चलिए, विद्यार्थियों को अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना. करेक्ट देयर, अगला पॉइंट आप लिख लें, करेक्ट देयर क्लस्मी कैरेक्टर. क्लस्मी का मतलब होता है अभद्र. करेक्ट देयर क्लस्मी यानी अभद्र चरित्र या व्यवहार को दूर करने की कोशिश करें, करेक्ट करने की कोशिश करें. अभद्र चरित्र या व्यवहार में सुधार करने की कोशिश करें. अभद्र व्यवहार में सुधार करने की कोशिश करें. मिटा दें, हो गया. चलिए एक पॉइंट और लिख लें इसमें, इसको खत्म करते हैं. लेट देम नो दी वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी एंड मोरेलिटी. मोरेलिटी का मतलब होता है नैतिकता, और ऑनेस्टी तो ईमानदारी. पता ही कितने बार हमने बताया आपको, लेट देम नो द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी एंड मोरेलिटी. लेट देम नो द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी और मोरेलिटी, यानी ईमानदारी और नैतिकता का मूल्य उन्हें बताएं. ईमानदारी और नैतिकता क्या होती है यह उन्हें बताएं. ईमानदारी और नैतिकता का मूल्य उन्हें बताएं. ठीक है, तो ये खत्म हुआ आपका रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज, रिक्विजिट, प्री रिक्विजिट ऑफ ए गुड इंस्ट्रक्टर्स. तो ये जितनी क्वालिटीज़ हैं मैंने बहुत कुछ बताया आपको. अब उसमें से कितनी क्वालिटीज़ आप अपने में डेवलप करते हैं अभी आपके ऊपर है. ये उसको कितना आप डेवलप करते हैं, हमें जो देना था हमने आपको दे दिया. अब चलें, अगला हमारा पॉइंट्स है MSDG, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. इसका परिचय, एक संक्षिप्त परिचय कि क्या है मिनिस्ट्री, क्या क्या इसके डिपार्टमेंट्स हैं, क्या इसके फंक्शंस हैं, क्या कार्य होता है. तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मिनिस्ट्री का क्या है, तो इस पर एक साइट में हम डिस्कस करेंगे. तो मिनिस्ट्री ऑफ और शॉर्ट में इसे MSDE कहते हैं, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय.
MSDE, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship यानी उद्यमिता या उद्यमशीलता भी कहीं कहीं आप देखेंगे तो, लेकिन हमारे मंत्रालय में उद्यमिता ही लिखा जाता है तो उद्यमिता ही हम कहेंगे इसको, शॉर्ट में इसे MSDE कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है। तो मंत्रालय कब बना, कैसे बना, क्यों बना, उस पर हम थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, और जहां आपको डाउट हो आप पूछ सकते हैं, एक जनरल इंफॉर्मेशन है, इतना डिटेल्स में नहीं है, बट ये है कि आपके एग्जाम में भी आता है, कहीं आप इंटरव्यू में भी जाएंगे तो कोई पूछ सकता है MSDE क्या है, क्या क्या डिपार्टमेंट्स है, क्या काम करता है, तो इसलिए थोड़ा आपको इस पर नॉलेज होना चाहिए। मिनिस्ट्री क्यों बनी, पहले हम इसी पे आते हैं कि क्या इसकी ज़रूरत पड़ी, जबकि और मिनिस्ट्री तो थी ही, स्किल के प्रोग्राम्स भी चलते थे, तो क्यों बनी। आप जानते हैं कि इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ डेमोग्राफिक डाइवर्जन, डेमोग्राफिक डाइवर्जन, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डेमोग्राफिक डाइवर्जन, डेमोग्राफिक का मतलब जनसंख्या, जनसांख्यिकी, जनसांख्यिकी, और डाइवर्जन का मतलब विविधता। तो भारत एक जनसांख्यिकी विविधता का देश है, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डेमोग्राफिक डाइवर्जन, ये तो ठीक है सब जानते हैं, लेकिन इसमें आगे महत्वपूर्ण क्या है कि देयर आर 54% ऑफ पॉपुलेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप हिंदी में जो बोल रहा हूं अगर आप लिखना तो सेंटेंस बना लेंगे, 54% ऑफ द पॉपुलेशंस आर अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, यानी हमारे 54% 54% जो पॉपुलेशन है वो 25 से 30% के एज ग्रुप में है, यानी यंग पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है 50% ऑलमोस्ट। अब ये 25 से 30% के आसपास है, मींस 54%, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डेमोग्राफिक डाइवर्सन वेयर 54% ऑफ पॉपुलेशन आर अबाउट 25 ईयर ऑफ एज ग्रुप, यानी 25 से 30 आप कह लें के आसपास के एज ग्रुप के ऑलमोस्ट 54% लोग हैं। अब ये इतनी बड़ी युवा शक्ति है तो इनके कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होंगे, कुछ उनके इसेंशियलिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस भी हैं, क्या है, दे हैव देयर इसेंशियलिटी एंड एक्सपेक्टेशंस, इसेंशियलिटी मतलब आवश्यकता, और एक्सपेक्टेशन का मतलब उम्मीदें, आकांक्षा। तो इनकी कुछ आवश्यकता और कुछ आकांक्षा भी है, होगी जरूर होगी, तो मेन आवश्यकता क्या है, आप भी उसी एज ग्रुप में है यार, तो आपकी क्या आवश्यकता है, हैं, रोजगार, वेरी गुड, बहुत अच्छा, कैसा रोजगार, कैसा रोजगार, सही से हो जाए, सही बात है, चले। तो टू हैव ए डिसेंट एंड मॉडरेटली प्लेस्ड वेज स्ट्रक्चर, यानी एक अच्छा रोजगार मिले, जैसा इन्होंने कहा बहुत सही कि इस एज ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कुछ आकांक्षाएं हैं जिसकी पूर्ति के लिए वो चाहते हैं यार कम से कम ऐसा रोजगार मिले जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, ए डिसेंट रोजगार हैविंग द
नाइस सैलरी एंड अदर फैसिलिटीज। सभी चाहते हैं कि अच्छा रोजगार मिले जिसमें सैलरी अच्छी हो, सुविधाएं अच्छी हों, एक अच्छा पोजीशन हो, सब जाते हैं। ये तो पहली बात हो गई। लेकिन जो नियोक्ता हैं, जो इम्प्लायर्स हैं, उनकी भी कुछ आवश्यकता होगी जो आपको रोजगार देगा। भाई ये तो आपकी आवश्यकता हो गई ना कि आपको ऐसा रोजगार चाहिए, लेकिन जो रोजगार देने वाला है उसकी भी कुछ आवश्यकता होगी, तो उसकी क्या आवश्यकता है? हाँ जी, नहीं यार ऐसा नहीं है। आजकल देखिए प्राइवेट में भी आप जाएं, जो आईटी सेक्टर में अच्छे अच्छे और 40 50 60 लाख के पैकेज आपको इंडिया में मिल रहा है बंगलौर में, ठीक है, वो कम है उनकी संख्या। और जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, वहाँ थोड़ा होता है एक्सप्लाइटेशन, आप जो कह रहे हैं गलत नहीं है, बट हर जगह वैसा नहीं। अगर आप में है तो जो नियोक्ता है, जो इम्प्लायर्स है, वो क्या चाहता है? हाई क्वालिफिकेशन। हाई क्वालिफिकेशन, वेल स्किल्ड, वेल स्किल्ड एंड प्रोमिनेंट एक्सपीरियंस, प्रोमिनेंट इन एक्सपीरियंस, ये उसका तीन रिक्वायरमेंट है। हाई क्वालिफिकेशन यानी उच्च शिक्षा उसमें हो, एक दक्षता यानी कौशल, उच्च श्रेणी का कौशल हो, और प्रोमिनेंट एक्सपीरियंस यानी एक अनुभव अच्छा उसमें हो। क्यों ये चाहता है? जिससे उसको ट्रेनिंग में इन्वेस्ट ना करना पड़े, सीधा व्यक्ति को इनरोल करे और काम पे लगा दे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट को छोड़ दे, बट गवर्नमेंट में तो केवल 30% जॉब है, 70% तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में है। तो हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के व्यूज को लेके चलेंगे, यहाँ डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट में भी है जॉब, ऐसी नहीं है, बट जितनी हमारी पॉपुलेशन है उस हिसाब से 70% आज भी प्राइवेट सेक्टर ही जॉब देता है, 70-75%। तो उनका रिक्वायरमेंट है द पर्सन शुड बी हाईली क्वालिफाइड, वेल स्किल्ड एंड हैविंग द प्रॉपर एक्सपीरियंस ऑफ द रेस्पेक्टिव जॉब और द ट्रेड, सो दैट दे आर नॉट कंपेल्ड टू इन्वेस्ट इन हिज ट्रेनिंग एंड डायरेक्टली पुट हिम ऑन द जॉब। वो ये नहीं चाहते कि जो भी व्यक्ति मेरे पास या मेरी इंडस्ट्रीज में आए उसको मैं 1 साल या 2 साल या 6 महीने की ट्रेनिंग दूं, तो ट्रेनिंग में कुछ खर्चा लगेगा, तो ओवरलोड हटाने के लिए वो चाहता है कि मैं। तो दो चीजें यहां हो गई, एक तो इम्प्लायर और एक इम्प्लाई, नियोक्ता और रोजगार मांगने वाले जो हैं, तो उसके अभिलाषी। तो नीड ऑफ द इम्प्लाई एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ इम्प्लायर, अब इसको दोनों को तो ब्रिज करना पड़ेगा, इसमें बैलेंस बनाना पड़ेगा कि जो नीड ऑफ द इम्प्लायर मस्ट बी फुलफिल्ड, तो जो इम्प्लायर की आवश्यकता है उस आवश्यकता को इम्प्लाइज यानी जो रोजगार का आकांक्षी है वह उसको, या जो अभ्यर्थी कह लें, अभ्यर्थी जो है नियोक्ता की आवश्यकताओं के अनुसार दक्षता रखे, कौशल रखे, योग्यता रखे, अनुभव रखे, तो वो स्वतः ही उसको जॉब देगा। तो टू फिलफिल द नीड एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इम्प्लायर एंड इम्प्लाई, टू फुलफिल द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लाई, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लाई an atmosphere is created for skill development,
to fulfill the need and expectation of employer and employees, an atmosphere is created for skill development. यानी नियोक्ता और अभ्यर्थियों की आवश्यकता और आकांक्षाओं, नियोक्ता और अभ्यर्थी की आवश्यकता और आकांक्षाओं को देखते हुए कौशल विकास की आवश्यकता का वातावरण बना. लिख रहे थे क्या? चलिए. अच्छा, नियोक्ता की आवश्यकता और अभ्यर्थी की आकांक्षा, नियोक्ता की आवश्यकता और अभ्यर्थी की आवश्यकता को देखते हुए कौशल विकास के वातावरण का निर्माण हुआ. अब आप देखें, इसलिए जो एक तरह से जो 25 एज ग्रुप के हैं, ये एक तरह से देश के लिए एक कहें कि हम कहते हैं कि जनसंख्या हमारा एक बोझ है, लेकिन दूसरे तरफ से देखें तो एक असेट भी है. चाइना के डेवलपमेंट में देखिए, चाइना इतना ऊपर क्यों गया? उसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा थी और उस पॉपुलेशन के एक अच्छा स्किल डेवलपमेंट का इन्वायरमेंट्स मिला. बट ठीक है, वहाँ थोड़ा डिक्टेटर है, कम्युनिस्ट है, तो वहाँ 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे सबको काम करना ही पड़ता है, कंपल्सन है वहाँ, तो एक अलग वो व्यूज है. बट डेवलपमेंट तो उसका हुआ बिकॉज ऑफ द टेक्निकल ट्रेंड्स. तो उसीलिए एक तरह से हमारे पॉपुलेशन से हमारे लिए एक असेट्स हैं. दीज आर द डिवाइडेंड फॉर द नेशन. तो कंसिडरिंग दिस असेट, कि ये जो हमारी पॉपुलेशन है, इतनी यंग पॉपुलेशन, ये हमारे लिए एक लाभांश है. तो इस लाभांश को, इस डिवाइडेंड को कैश करने के लिए भारत सरकार ने एक अलग डिपार्टमेंट की स्थापना किया ऑन 30 जुलाई 2014 एक डायरेक्टरेट की स्थापना हुई. डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. डायरेक्टरेट का मतलब होता है महानिदेशालय. दिल्ली में जितने भी हैं वहां महानिदेशालय, एक महानिदेशालय के अंदर अलग अलग डायरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है, निदेशालय होता है. तो एक कौशल विकास और उद्यमिता महानिदेशालय का निर्माण किया गया, यानी एक सृजन किया गया, नया बनाया गया 30 जुलाई 2014 को. और बाद में अनुभव किया गया कि डायरेक्टरेट नहीं, एक मिनिस्ट्री होना चाहिए. तो 9 नवंबर 2014 को इट हैज बिकम मिनिस्ट्री, MSDE. 9 नवंबर 2014 को सेम इसी डायरेक्टरेट को बदल दिया गया और इट हैज कम टू द मिनिस्ट्री. 9 नवंबर 2014 इट हैज बीन कन्वर्टेड इन टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट. एंड तो 9 नवंबर को इस मिनिस्ट्री का हुआ. अब इस मिनिस्ट्रीज का कुछ रोल है, कुछ जैसा मैंने बताया कि मेन रोल तो है स्किल डेवलपमेंट, कि जो एम्प्लायर्स की नीड है उस नीड को पूरा करने के लिए ही इस मिनिस्ट्री का हुआ. अब इसके कुछ फंक्शंस क्या हैं उस पर हम आ जाते हैं. जैसे मेन फंक्शन है टू कोऑर्डिनेट
coordinate with all skill and vocational activities across the country. पूरे देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल के जो भी कार्यक्रम हैं उस सब का मार्गनिर्देशन यही मंत्रालय करेगा। पूरे देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण और दक्षता, स्किल एंड वोकेशनल एक्टिविटीज, यानी व्यावसायिक और कौशल से संबंधित जो भी कार्यक्रम होंगे उन सब का मार्गदर्शन ये मिनिस्ट्री ही करेगी, ये मिनिस्ट्री ही करेगी। ये तो मेन काम इसका था। दूसरा काम था ब्रिज द बैलेंस, ये मेन है, ब्रिज द बैलेंस बिटवीन, ब्रिज द बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई of skilled workforce. ये मेन फंक्शन इसका है, ब्रिज द बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, यानी जो उद्योगों को आवश्यकता है, ब्रिज बी आर आई ब्रिज द बैलेंस, यानी जो सप्लाई और डिमांड, जो उद्योग चाहते हैं, जो कौशल उद्योग चाहते हैं, वह कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से पूरा करके अभ्यर्थियों में उस कौशल को देना, अभ्यर्थियों में उस कौशल का निर्माण करना, जिससे कि जो गैप है कि इंडस्ट्रीज को क्या स्किल चाहिए और जो हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या उसमें मैच है, यानी एक गैप है, तो इस गैप को भरना है। बैलेंस द ब्रिज उसका मतलब ये हुआ कि उस जो गैप है उसको, जैसे नदी पर पुल बना देते हैं तो आप इधर से उधर जा सकते हैं, उसी तरह से बैलेंस द ब्रिज का मतलब हुआ कि जो उद्योगों की कौशल की आवश्यकता है, क्या उस आवश्यकता के अनुसार हम वोकेशनल इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दे रहे हैं, अगर नहीं दे रहे हैं तो क्या कमी है, उसको पूरा करना। और ये काम इस मिनिस्ट्री का है, एनएसडीसी है, इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स बने हैं, अलग अलग काम है लोगों का। तो मेन मंत्रालय का काम है कि उद्योगों और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच जो कौशल की कमी है उसको पूरा करना, उद्योगों और प्रशिक्षण संस्थानों के बीच जो कौशल की कमी है उसको पूरा करना, ब्रिज करना, बैलेंस द ब्रिज। तीसरा काम है इस मिनिस्ट्री का, क्रिएट द टेक्निकल टीच, क्रिएट द फ्रेमवर्क, क्रिएट द फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क का मतलब संरचना, क्रिएट द फ्रेमवर्क संरचना किसके लिए, वोकेशनल एंड स्किल ट्रेनिंग, वोकेशनल एंड स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, वोकेशनल एंड स्किल बेस्ड ट्रेनिंग अक्रॉस द कंट्री। पूरे देश भर में, पूरे देश भर में कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए संरचना बनाना, यानी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना, नए नए ट्रेनिंग वोकेशनल और
स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना, पूरे देश में कौशल आधारित या वैकेशनल आधारित प्रशिक्षण संस्थानों को खोलना, जिसमें एडवांस प्रशिक्षण दिया जाए। देखिए आजकल स्किल सेंटर्स हैं, DDU GKY है, PMKY है, ये सब इसी मिनिस्ट्री के पार्ट्स हैं। और इन सब का उद्देश्य यही है कि उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप एक विशेष फील्ड में उस तरह की दक्षता प्रदान करना जिससे कि उनको रोजगार मिल जाए। अब डिसेंट रोजगार मिलता है कि नहीं वो अलग बात है, बट उद्देश्य तो यही था कि एक और अलग अच्छा रोजगार मिले। और चले लास्ट पॉइंट, चौथा उद्देश्य है इस मिनिस्ट्री का, टू क्रिएट न्यू स्किल। क्रिएट न्यू स्किल यानी नई दक्षता का सृजन एंड इनोवेटिव थिंकिंग। क्रिएट न्यू स्किल एंड इनोवेटिव। इनोवेटिव मीन्स कुछ नयापन, नई सोच। क्रिएट न्यू स्किल एंड इनोवेटिव, अन्वेषणात्मक, कुछ अन्वेष करना, कुछ अनुसंधान करना, अनुसंधान करके नई सोच का विकास करना। तो क्रिएट न्यू स्किल एंड इनोवेटिव थिंकिंग फॉर करेंट एंड इमर्जिंग जॉब। यानी अभी जो तकनीक चल रही है उसके लिए, या भविष्य में जो तकनीक आएगी उसके लिए, यानी भविष्य की भी योजना कि भविष्य की जो तकनीक है और आज जो प्रचलित तकनीक है, इन सब के लिए एक नई कौशल और नई सोच का विकास करना। आज और भविष्य के तकनीक के आवश्यकताओं को देखते हुए नई सोच का विकास करना। अब हर ट्रेड में तो विकास होता है, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में ही देखिए, आप ITI जो किए हुए देखें, पहले इलेक्ट्रॉनिक में क्या था और आज क्या था। अब कंप्यूटर्स में कितने चेंजेस हो रहे हैं, कंप्यूटर्स के नए नए न्यू एज कोर्सेस अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं, न्यू एज कोर्सेस एग्रीकल्चर में, हेल्थ सेक्टर में, सोलर के कोर्सेस इंट्रोड्यूस हुए हैं। और अभी डिप्लोमा कोर्सेस देखिए, NSTI में डिप्लोमा कोर्सेस भी शुरू हो गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो नई सोच जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की शुरू हो रही है, GPT चैट और दूसरे जो माध्यम हैं, आज के 2-4 साल बाद जो है वही ज़्यादातर रूल करेगा। आज देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए इस मंत्रालय की ये सोच है कि जो आज चल रहा है ठीक है, ये तो चलता ही रहेगा, बट कल क्या होने वाला, क्या नया विकास होने वाला है, क्या इनोवेशंस होने वाले हैं, उसके अनुसार भी हम कैसे अपने को बदलें, उसको देखते हुए क्या क्या नए तरीके अपनाए जाएंगे, तो उसमें ये है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, जैसा मैंने बताया, 4 नवंबर 2014 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, और इसका मेन एम यही था कि जो हमारे युवा वर्ग है उसके अंदर जो कौशल की कमी है, जिसके कारण वो एक अच्छा रोजगार नहीं प्राप्त कर सकता, तो उसके कौशल की कमी को दूर किया जाए। और इस कौशल की कमी को दूर करने के लिए ही ये है, पूरे देश में जितने भी स्किल के प्रोग्राम चलते हैं उनको MSD ही कोऑर्डिनेट्स करता है। नए नए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसके लिए खोले गए, और जो गैप है गैप को भरने की हम कोशिश करते हैं, इसलिए इंडस्ट्रीज को खुद ट्रेनिंग में इन्वॉल्व किया गया। अभी NSDC देखें, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मालूम है, जानते हैं नहीं क्या होता है NSDC का रोल, पता है? चलिए हम डिस्कस करेंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा।
तो एनएसडीसी का रोल ही है, वो प्राइवेट सेक्टर है, वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट कोर्सेज, जो PMKY, DDU GKY या युवा कोर्स, समर्थ के कोर्स, संकल्प के कोर्स जो चलते हैं, इंटरप्रेनरशिप के जो कोर्स चलते हैं, ये NSDC के अंदर अलग अलग जो कोर्सेज चल रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है। तो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को इसलिए इन्वॉल्व किया कि भाई आप बताओ कि आपको क्या स्किल चाहिए, आप खुद कोर्स बना दो कि आपको ये स्किल चाहिए और हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके वो ट्रेनिंग दे देंगे। उनके अनुसार फिर वो ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स बनाए गए। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स आजकल वो ट्रेनिंग देते हैं कि नहीं वो अलग बात है, उस मैटर्स पर हम नहीं जाएंगे। जैसा सोच के बनाया गया था उतना लेवल तक तो ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं उस क्वालिटी की जितना चाहिए था, बट चलिए कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो ही रहा है। तो ये मेन एम था। अब इस MSDE के अंदर 4 डायरेक्टरेट आते हैं, यानी जो महानिदेशालय मैंने कहा तो डायरेक्टरेट जनरल जिसे कहते हैं, तो इस MSDE के अंदर 4 मेन जो हैं, 4 निदेशालय इसके अंदर कार्य करते हैं। पहला है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, इसको हम प्रशिक्षण महानिदेशालय कहते हैं। प्रशिक्षण महानिदेशालय या शॉर्ट में इसे DGT, ये जितने भी NSTI हैं DGT के अंदर ही आते हैं। प्रशिक्षण डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण महानिदेशालय या शॉर्ट में DGT। दूसरा है NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। NSDC राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। राष्ट्रीय इधर से होना चाहिए, कौशल विकास निगम। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, राष्ट्रीय इधर से होना चाहिए एक्चुअली, ऐसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, ऐसे राष्ट्रीय ऐसे होता है। चले अगर ऐसे होता है तो फिर ऐसे ही लिखिए आप, तो मतलब सही। पहले मुझे डाउट हो रहा था कि ऐसे होता है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC जिसके अंदर आते हैं, और इसके अंदर SSC आता है, सेक्टर स्किल काउंसिल, और जितने भी आप देखते हैं कोर्सेज PMKY, DDU GKY, ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, समर्थ, स्किल सेंटर्स, कौशल सेंटर्स, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, जितने भी कोर्सेज हैं ये इसके अंदर चलते हैं। हो गया, मिटा दें इसको। चलिए हाँ, मैं ऊपर लिखता हूँ क्योंकि नीचे फिर दिखाई नहीं देगा आपको, तो पीछे वालों को दिखाई नहीं देगा। तीसरा होता है NCVET, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग।
National Council of Vocational and Educational Theory, NCVET. So, व्यवसायिक व शैक्षणिक प्रशिक्षण राष्ट्रीय व्यवसायिक व शैक्षणिक परिषद राष्ट्रीय व्यवसायिक व शैक्षणिक परिषद एनसीवीईटी जो आईटीआई में पढ़े होंगे पहले एनसीवीटी हुआ करता था नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग तो एनसीवीटी में अब यह जुड़ गया अब उसको एजुकेशन भी उसमें आ गया अब ये एनसी हम आएंगे जब उस पर डिस्कस करेंगे वो पहले डीजीटी में हुआ करता था एनसीवीटी डीजीटी के अंदर था लेकिन अब वो मिनिस्ट्री के अंदर आ गया है और उसका नाम हो गया है एनसीवीईटी एनसीवीईटी अब इसका नाम हो गया है ठीक है कोई डाउट इसमें चौथा डायरेक्टरेट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योर NEUR उद्यमिता 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 महानिदेशालय उद्यमिता महानिदेशालय उद्यमिता महानिदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता महानिदेशालय तो ये चार डायरेक्टरेट हैं डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट डीजीटी दूसरा है एनएसडीसी तीसरा है एनसीवीईटी और चौथा है इंटरप्रेनरशिप या डायरेक्टरेट ऑफ इंटरप्रेनरशिप इस इंटरप्रेनरशिप के अंदर जितने भी निस्बट है यहाँ भी देखिए निस्बट है एक ऑफिस है बोर्ड भी लगा है निस्बट आप बाहर देखे होंगे तो एक बोर्ड लगा है निस्बट का तो निस्बट क्या होता है कभी आपने सोचा जो निस्बट का बोर्ड लगा है तो निस्बट क्या है NIESBUD लिखा है ना निस्बट हिंदी में भी लिखा है और हिंदी में तो उसका पूरा फुल फॉर्म लिखा है लेकिन अंग्रेजी में निस्बट लिखा है तो कभी आपने सोचा कि निस्बट क्या है हैं? पूछा आपने किसी से किससे अच्छा तो क्या बताया उन्होंने अच्छा ट्रेनिंग दी जाती है चलिए कोई बात नहीं तो निस्बट क्या होता है वो हम बताएंगे निस्बट का फुल फॉर्म क्या है वो भी बताएंगे आपको चलिए पहले हम आते हैं तो हम शुरू करें डीजीटी से डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग डीजीटी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग या प्रशिक्षण महानिदेशालय इसे कहते हैं तो ये शुरू कैसे हुआ थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री लिखने की जरूरत भी नहीं है मैं ऐसे ही बता देता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा तो ये शुरू हुआ था डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट सॉरी डीजी R&E डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट
1945 में यह 1945 में इस महानिदेशालय का गठन हुआ था और इसे कहते थे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रीसेटलमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, पुनर्गठन व रोजगार महानिदेशालय, रीसेटलमेंट यानी पुनर्गठन, पुनर्गठन व रोजगार महानिदेशालय इसे कहते थे। मैं मेन पॉइंट्स लिख दूंगा, पूरा लिखने लगेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। तो इसका मेन रोल था 1945 का मेन इवेंट्स क्या था, जो कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे होंगे 1945 में क्या हुआ था। हाँ, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद तो किसका पुनर्गठन करना था, फ्रॉम द डिफेंस डिसेबल्ड डिफेंस पर्सनल, जो डिसेबल्ड हैं डिफेंस पर्सनल, यानी उस समय इंडिया से भी हमारे सेकंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए गए थे, तो जो वहां से डिसेबल्ड हो गए या सेना से डिस्चार्ज हो गए, अब वो कार्य करने के लायक नहीं है, तो उनका कहीं ना कहीं पुनर्वास करने के लिए, और कुछ सिविलियन भी उस वार में गए थे जिसे हम कहते हैं वार वर्कर, डिसेबल्ड डिफेंस पर्सनल और वार वर्कर, जो कुछ वार वर्कर्स थे डिसेबल्ड यानी जो लड़ते हुए से घायल हो गए थे या डिसेबल्ड हो गए थे, या 1945 के बाद जो सबको डिस्चार्ज भी कर दिया गया था जो घायल नहीं भी हुए थे, और उसमें कुछ सिविलियन भी गए थे सपोर्ट करने के लिए जिन्हें हम वार वर्कर्स कहते हैं। तो इन सब का एक गवर्नमेंट के सामने एक एम्प्लॉयमेंट और सेटलमेंट्स की समस्या थी, तो इन सभी समस्याओं से टू सेटल डाउन द डिसेबल्ड डिफेंस पर्सनल एंड रिटायर्ड वार वर्कर्स आफ्टर द 1945 डायरेक्टरेट वॉज सेटअप नोन एज द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रीसेटलमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इनका काम था कि उनको कहीं ना कहीं विस्थापितों को बसाना और उनके लिए किसी न किसी रोजगार की व्यवस्था करना, ठीक है। 1947 में, इन 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंट डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान से लोग विस्थापित होकर आए, अब जानते ही हैं जब इंडिया पाकिस्तान बना तो कितने लोग यादव से उधर गए, तो जो पाकिस्तान से विस्थापित हो गए तो इस डायरेक्टरेट को यह भी काम दे दिया गया कि अब जो पाकिस्तान से विस्थापित हुए हैं उनका भी रीसेटलमेंट और एम्प्लॉयमेंट का काम आप देखो। सो दिस डायरेक्टरेट वॉज आस्क्ड टू हैंडल द डिस्प्लेस्ड पर्सन कमिंग फ्रॉम द पाकिस्तान, तो जो लोग पाकिस्तान से डिस्प्लेस होकर इंडिया में आ रहे हैं उनके भी कहीं ना कहीं रहने की व्यवस्था और उनके रोजगार की व्यवस्था, एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था, वो भी इस डायरेक्टरेट को दे दिया गया। 1948 इस डायरेक्टरेट का स्कोप बढ़ा दिया गया और इसे कहा गया कि फॉर स्किल एम्प्लॉयमेंट सर्विस ऑफ ऑल कैटेगरी, स्किल एम्प्लॉयमेंट यानी जो कुछ कौशल है जिसमें हुनर है, उसमें कोई ट्रेनिंग तो नहीं होती थी लेकिन जो घरों में जो रोजगार करते थे, तो स्किल एम्प्लॉयमेंट, स्किल एम्प्लॉयमेंट सर्विस टू ऑल कैटेगरीज,
यानी जिसमें भी छोटा मोटा कुछ भी हुनर है, कुछ स्किल है, कौशल है, चाहे वो किसी कैटेगरी का हो, यानी फॉर ऑल इंडियंस कह लें आप एक तरह से, सभी इंडियंस के लिए जिसके अंदर कुछ न कुछ हुनर है, जो भी है, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था करना। तो इस डायरेक्टरेट का काम बढ़ा दिया गया कि भाई आप केवल आप पाकिस्तान से जो विस्थापित आए हैं या 1945 के जो वार डिसेबल्ड हैं या वार वर्कर्स हैं उनके लिए ही नहीं, उनका तो हो गया, अब आप जो हमारे कुछ भी थोड़े बहुत भी कौशल जानते हैं, चाहे वो किसी कैटेगरी के हो, सभी इंडियंस के लिए अब आप एक तरह से रोजगार प्रदाता या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर्स की तरह आप काम करें। अब जब इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई जो जिसके अंदर कुछ न कुछ कौशल हो, तो बाद में ये आवश्यकता महसूस किया गया कि भाई जरूरी नहीं कि सब में एक कौशल हो, तो क्यों ना इनको ट्रेनिंग दिया जाए। तो 1950 में कहा गया कि ठीक है आप कुछ कौशल की ट्रेनिंग भी दो, बिफोर एम्प्लॉयमेंट यू कंडक्ट सम स्किल ट्रेनिंग। कोई ऑर्गेनाइज नहीं था, कोई सिलेबस नहीं था, बट कुछ एक्सपर्ट्स जो पहले से स्किल जानते थे या जो एम्प्लॉयर था जो रोजगार इनको देता था वहीं से वो बुला लेते थे ट्रेनर्स को कि भाई आप इनको कुछ सिखा दो कि आपके यहाँ काम करेगा तो क्या आपकी आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार हम इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, मशीनरी इक्विपमेंट सब देंगे, केवल आप इनको सिखा दो। तो फिर ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट दोनों का काम देखने लगे, तो इसका नाम जो रीसेटलमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट था उससे बदल के कर दिया गया डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग DGENT इसका नाम हो गया इन 1950। और यह पहले भी था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत एक आ गया। तो 1950 में श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आ गया ये, फिर से DGET करने लगे या डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग इसका नाम हो गया, और ये लेबर मिनिस्ट्री के अंदर ही था, श्रम और रोजगार मंत्रालय आज भी है, श्रम शक्ति भवन अगर आप दिल्ली में रफी मार्ग पर देखें तो आज भी है श्रम शक्ति भवन। तो उस श्रम शक्ति भवन में ये था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, तीसरे पांचवें और छठवें फ्लोर पर इसकी आपसे हुआ करती थी, मैं वहाँ काम कर चुका हूँ तीनों जगहों पर। तो ये है, ये था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। तो इसका काम अब ये ट्रेनिंग था, अब इन्होंने महसूस किया कि जब ट्रेनिंग कराना है तो एक हमें ऑर्गेनाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए और उसके अनुसार हम ट्रेनिंग करें। तो 1950 में पहला ITI खुला इन कोनी बिलासपुर मध्य प्रदेश में है, अभी शायद छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। तो बिलासपुर कोनी बिलासपुर है, पहले मध्य प्रदेश में उस समय था, अभी छत्तीसगढ़ में है। कोनी बिलासपुर में 1948 में ही खुल गया था, 1950 यानी 1948 से 50 के बीच में, किसी किसी बुक में आपको या कहीं आप देखेंगे तो 1948 मिलेगा, कहीं पे 1950 मिलता है। तो 1948 या 50 के बीच में ये पहला ITI खुला था कोनी बिलासपुर में अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट,
तो आईटीआई जितने भी हुआ करते थे ये सेंट्रल गवर्नमेंट में होते थे 1948 या 15 डीजीटी उस समय, हाँ डीजीटी के अनुसार है कहें, अब डीजीटी के अंतर्गत ही आए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में, ये जितने भी आईटीआई खुले ये डीजीटी डीजीईएनटी था उस समय, तो डीजीईएनटी के अंदर ही है पहला आईटीआई खुला 1950 में। 1950 ऑनवर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कंट्री में हुआ, एक औद्योगिक क्रांति, पहला औद्योगिक क्रांति हुआ था 1950 में। उस समय छोटे बड़े काफी उद्योग खुले, कुछ गवर्नमेंट्स के थे यानी गवर्नमेंट के अंडर में भी उद्योग खुले, प्राइवेट उद्योग खुले, यानी काफी उद्योग खुले, बिग एंड स्मॉल इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था उस समय, औद्योगिक क्रांति जिसे हम कहते हैं। इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के वजह से छोटे बड़े उद्योग गवर्नमेंट के अंदर में भी और प्राइवेट यानी प्राइवेट पार्टनर्स भी, जैसे भिलाई का उस समय जो स्टील प्लांट्स था देखिए उस समय खुला था, और कुछ टाटा ने भी काफी प्लांट्स खोले थे तो उस समय ये खुले। तो जब ये उद्योग खुलने शुरू हुए तो उद्योगों को कुछ टेक्निकल मैन पावर या स्किल्ड मैन पावर की जरूरत हुई, तो स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड मैन पावर, स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड यानी कुशल और अर्ध कुशल कारीगरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए फिर डीजीटी ने और जगहों पर अपने अंडर आईटीआई खोलना शुरू किया, और 87 तक नियर अबाउट 780 आईटीआई देश के अलग अलग भागों में खुल गए। 1980 के आसपास, 1980 के ही आसपास गल्फ कंट्रीज में जिसे हम कहते हैं आयल बूम, एक आयल बूम आया, मतलब आयल का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा, क्योंकि फिर ये गाड़ियां बढ़नी शुरू हो गई, पेट्रोल और डीजल की जरूरतें बढ़ गई, तो पेट्रोल और डीजल और सब जो क्रूड आयल है वो तो गल्फ कंट्री से ही आता था, तो गल्फ कंट्री में जगह जगह उनके रिफाइनरीज खुलने लगी, टेक्निकल मैन पावर्स की उन्हें जरूरत पड़ने लगी 80s और 90s के बीच में। तो फिर उन्होंने इंडिया से काफ़ी यानी स्पेशली साउथ स्टेट से, केरला से, बेंगलोर से, या फिर कर्नाटका से केरला से, तमिलनाडु से, आंध्रा से काफ़ी आईटीआई ट्रेंड गल्फ में जाने लगे, तो प्राइवेट आईटीआई भी 90 में खुलना शुरू हो गई। पहले प्राइवेट आईटीआई नहीं थी, ये प्राइवेट आईटीआई भी खुलना शुरू हो गई। अप टू 1990 तक नियर अबाउट 1700। अब इसमें प्राइवेट आईटीआई बहुत कम थे, प्राइवेट आईटीआई 200 या 300, बट 1500 के आसपास गवर्नमेंट आईटीआईस ऑल ओवर कंट्री और स्पेशली इन साउथ, क्योंकि साउथ में ये जो आयल बूम आया था उसके वजह से काफ़ी नौकरियां गल्फ में मिलती थी, आईटीआई पास करके वो चले जाते थे तो वहां उनको नौकरी मिलती थी। ठीक है, अब ये जो आईटीआई शुरू में खुली थी जैसा मैंने बताया 1950 में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट या डीजीटी के अंदर में उस समय खुली थी, लेकिन बाद में एक 1952 में एक कमेटी बनी थी जिसे शिवराम कमेटी, शिवराम कमेटी ऑन सर्विस एंड एम्प्लॉयमेंट। तो शिवराम कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि ये जो आईटीआईज और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का काम सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाए, तो यह काम नवंबर में
नवंबर 1956 में जितने भी आईटीआईज एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जितने भी आईटीआई और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज थे ये स्टेट गवर्नमेंट को चले गए, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन इनका स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया कि अब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में सभी आईटीआई रहेंगी, लेकिन कुछ फाइनेंशियल 60% फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 50% स्टेट गवर्नमेंट देगा। एक शेयरिंग किया गया कि ठीक है, जो खर्चा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट देगा कुछ स्टेट गवर्नमेंट, और ये शेयरिंग चली 31/3/1969 तक, यानी 1956 में। हाँ, कोई डाउट? अरे इसको आप लोग लिख रहे हो तो मैं तो सोचा ऐसे सुन रहे हो, ये इतना ऐसी चीज है, इसको क्या लिखना। अच्छा अच्छा, चलो मैं एक बार फिर से रिपीट, मैं तो सोचा केवल मैं तो जल्दी खत्म करना चाह रहा था इसको कि इसमें, चलो आप लिख रहे हो तो लिख लो। ये मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, 1952 में आप लिख लें, 1952 में शिवराम कमेटी के अनुशंसा पर, हिंदी में आप लिख लें, 1952 में शिवराम कमेटी के अनुशंसा पर आईटीआई और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का, आईटीआई और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को स्टेट गवर्नमेंट तथा यूनियन टेरिटरी को दे दिया गया। आईटीआई और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को स्टेट गवर्नमेंट यानी रिस्पेक्टिव जो भी है, जहां का जहां जो आईटीआई जिस स्टेट में थी उस स्टेट गवर्नमेंट को, या अगर यूनियन टेरिटरी जैसे चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है, तो यूनियन टेरिटरी को उसका एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया गया, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल जो खर्चा था यानी वित्तीय जो खर्चा था 60% भारत सरकार फिर भी उनको सभी स्टेट को देता था, फाइनेंशियल खर्चा 50% भारत सरकार उनको देता था। और यह अरेंजमेंट 31 मार्च 1969 तक चला, यह अरेंजमेंट 31 मार्च 1969 तक चला था, 1969 यह अरेंजमेंट, यानी एडमिनिस्ट्रेशन तो उनके पास चला गया था लेकिन वित्तीय जो खर्चा था 60% भारत सरकार देता था, एडमिनिस्ट्रेशन तो चला गया था 1956 में। तो 1956 से लेकर 69 तक, मार्च 69 तक 60% खर्चा भारत सरकार उनको देता था, 60% भारत सरकार देगा, 40% रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट को देना था। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी जिसे पहले कहते थे, क्या हुआ, एनडीसी ने एक रिकमेंडेशन दिया, एनडीसी ने, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने रिकमेंडेशन दिया कि जब एडमिनिस्ट्रेशन आईटीआई का स्टेट के पास चला गया तो खर्चा भी उन्हें ही व्यय करना चाहिए, इसलिए 1 अप्रैल 1969 से आईटीआई एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का टोटल एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर भी अब स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी को ही देखना था, यानी अब सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कोई वित्तीय अनुदान नहीं देता है। तो 1 अप्रैल 1969 से अब जितने भी आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई जो भी जिस स्टेट में खुले हैं वो स्टेट के खर्चे से ही खुलते हैं, और वहाँ जितने भी इंस्ट्रक्टर रखे जाते हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, उन सबका खर्चा वो स्टेट गवर्नमेंट ही उठाता है, आईटीआई ही नहीं बल्कि इसे साथ साथ में
जो इम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। हाँ, 5 वर्षीय जो योजनाएं होती हैं, हर योजनाओं में स्किल डेवलपमेंट के नाम पर सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कुछ न कुछ असिस्टेंट देता है। अब हर स्टेट के लिए अलग अलग असिस्टेंट है, बट कोई नियमित नहीं है इतना देना है। या कुछ वर्ल्ड बैंक की स्कीमें आती हैं तो वर्ल्ड बैंक से अलग अलग लोन लेके कुछ ITI का डेवलपमेंट करना हो, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स का डेवलप करना हो, कुछ इंस्ट्रक्टर्स की ट्रेनिंग करना हो, तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक से कभी कभी, या पहले ILO होता था उससे भी आते थे, इंटरनेशनल अब भी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं। तो ये जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, ये समय समय पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए अनुदान देते रहते हैं या लोन देते रहते हैं, तो उससे भी वो लोन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को आएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इन लोगों को देता रहता है, वो चलता रहता है। ठीक है, तो ये तो DGT का एक मैंने शॉर्ट आपको इवोल्यूशन बता दिया। अब यहाँ पर ये देखें, लेकिन मेन अब ये है कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड अपॉइंटमेंट्स ऑफ द इंस्ट्रक्टर्स, प्रमोशंस ऑफ द इंस्ट्रक्टर्स, सब कुछ जितनी एक्टिविटीज हैं ये स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के पास होती हैं, लेकिन जो सिलेबस है CTS का हो, ATS का हो, जो सिलेबस है, रूल्स हैं, रेगुलेशन है, प्रोविजंस हैं, मॉनिटरिंग्स हैं, और ये जो टेस्ट होता है, जो साल में एक बार टेस्ट होता है, NCVT जो टेस्ट लेता है, तो NCVT टेस्ट का जो प्रोविजन है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसका कितने परसेंट, यानी क्या मार्क्स होंगे, क्या रूल्स हैं मार्किंग्स के, क्या टेस्टिंग का प्रोसीजर्स होगा, मूल्यांकन कैसे होगा, सर्टिफिकेशन कैसे होगा, कितने परसेंट में विद्यार्थी किस स्टेट में पास होगा, थियरी में कितने मार्क्स होने चाहिए, प्रैक्टिकल में मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए, तो ये सब जितने प्रोविजंस हैं, कोई नया ट्रेड शुरू करना है, कोई पुराना ट्रेड ख़त्म करना है, तो ये जितने भी रूल्स, रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड्स, प्रोविजंस, नॉर्म्स, ये आज भी DGT के पास है। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन तो उनके पास है, लेकिन कौन सा कोर्स चलाना, अफिलिएशन किसी भी ITI में, चाहे वो गवर्नमेंट ITI हो या प्राइवेट ITI हो, कोई भी अगर ट्रेड उसको चलाना होता है, चाहे फिटर हो, वेल्डर हो, कोपा हो, मशीनिस्ट हो, या फिर कटिंग एंड स्विंग हो, कोई भी ट्रेड हो, CTS का, जितने भी इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं, कोई भी अगर ट्रेड्स चलाना होता है तो उस ट्रेड की मान्यता DGT से लेनी होती है, NCVT, उसकी एक कमेटी आती है, उसका एक स्टैंडर्ड रूल है कि कितने टूल्स और इक्विपमेंट होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए, इंस्ट्रक्टर्स होना चाहिए, वर्कशॉप का भी स्पेस नॉर्म्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी कितना होना चाहिए, सबका एक नॉर्म्स DGT यानी NCVT बनाता है। उस नॉर्म्स के अनुसार उनका इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन के बाद रिपोर्ट्स DGT में यानी NCVT में जाती है, और NCVT उसको अप्रूव करता है, और ये अप्रूवल तब उसको मिलता है। तो देखिए, जो डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं या जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज चलते हैं, हालांकि उसके लिए भी AICT है जो कोर्स और वो सब बनाती है, बट वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर्स में होते हैं, और हर स्टेट का अपना एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट का जो इंजीनियरिंग का सिलेबस है वो कभी कभी भिन्न हो सकता है, लेकिन ITI का जो सिलेबस है ऑल ओवर इंडिया सेम होगा। ITI के जो एग्जाम होंगे, किसी भी साल भर में एक बार जब भी एग्जाम होगा, ऑल ओवर इंडिया एक ही समय पर होगा एग्जाम के, जैसे CITS का जो एग्जाम है, साल में जब होगा एक ही बार होगा। पासिंग जो परसेंटेज है वो सबका एक स्टैंडर्ड डिफाइंड है, और उस स्टैंडर्ड के अनुसार ही वो काम होता है, और उस स्टैंडर्ड के अनुसार ही वो चलता है। तो ये इसका एक है आज भी, इसलिए DGET का कंट्रोल है, रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसी, स्टैंडर्ड्स, प्रोविजन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन,
सर्टिफिकेट भी जो मिलता है देखिए उस पर डीजीटी लिखा रहेगा। सर्टिफिकेट जो भी आपको किसी भी आईटीआई में आप पढ़ें, गवर्नमेंट या प्राइवेट आईटीआई में पढ़ें आप, वहाँ पे किसी स्टेट में पढ़ें तो ऊपर ऊपर में डीजीटी ही लिखा रहता है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। तो ये डीजीटी, जैसा मैंने पहले कहा कि डीजीटी नहीं था, ये डीजीईएनटी था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में था, श्रम शक्ति भवन में। लेकिन 2014 में, मैंने बताया ना 9 नवंबर 2014 को जब ये स्किल मिनिस्ट्री बनी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एमएसडी बना, 9 नवंबर 2014, तो डीजीटी इसमें से, एम्प्लॉयमेंट तो वहीं रह गया, आज भी वहीं है एम्प्लॉयमेंट विंग, यानी जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आता है, तो एम्प्लॉयमेंट विंग तो आज भी लेबर मिनिस्ट्री में रह गया, लेकिन ये डीजीटी यहां आ गया एमएसडी में। नाउ इट बिकम द डीजीटी। पहले मैंने बताया था आपको ना, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग था, लेकिन जब एमएसडी बना तो सेम नवंबर के महीने में वो बना, और दिसंबर में ही डीजीटी को, केवल डीजीटी को, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग को यहाँ पे कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में, और एम्प्लॉयमेंट विंग आज भी लेबर मिनिस्ट्री में है। तो अब ये डीजीटी एमएसडी के अंदर आ गया, पहले ये लेबर मिनिस्ट्री में था, यानी 2014 दिसंबर से डीजीटी केवल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग यहाँ आ गया, जबकि एम्प्लॉयमेंट विंग जो था अब भी ये वहीं पर है, एम्प्लॉयमेंट विंग आज भी लेबर मिनिस्ट्री के अंदर ही है। ठीक है, अरे आज तो मैं सोच रहा था एनएसडीसी तक खत्म कर लें कि हम डीजीटी में उलझे रह गए। चलिए खैर कोई बात नहीं, डीजीटी को मेन फंक्शन क्या डीजीटी का है वो मैं कल बताऊंगा आपको, बट मैं ये मेन डिपार्टमेंट इसके क्या है एक नाम बता दूं, क्योंकि हम डीजीटी एनएसटीआई भी डीजीटी के अंदर ही आते हैं। तो अरे थोड़ा सा ना, ओम सिंह का नंबर है आपके पास, थोड़ा सा फ़ोन कर देंगे कि मैं उनके साथ ही जाऊँगा। थोड़ा सा पहले इनका नाम एनएसटीआई नहीं था, वो मैं कल बताऊँगा आपको, कोई एटीआई था, कोई फोरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, कोई हाईटेक था, और दूसरे जो चलते थे मॉडल आईटीआई के नाम से चलते थे, कुछ अप्रेंटिस के अलग अलग आईडीएटीज थे, तो उन सबको मर्ज किया गया 2018 में, और फिर ये एनएसटीआई बना दिया गया, और आईडीएसडी बना, आईडीएसडी और एनएसडीसी बना। खैर वो तो ठीक है, वो हम कल डिस्कस करेंगे इस पर। आज मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ डीजीटी में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में है, इसका इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, क्योंकि कभी आप किसी आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बन गए अगर सौभाग्य से, तो ज़िंदगी भर आपको डीजीटी को याद करना पड़ेगा, वहाँ आना जाना पड़ेगा कि कभी बच्चों का एग्ज़ाम नहीं सही हुआ, कभी मार्क्स रुक गया, कभी ये सर्कुलर चाहिए, तो वहाँ से काम पड़ता रहता है सभी उनको। तो डीजीटी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग सेल हैं जो इसको करते हैं। मैं जैसे डीजीटी में, डीजीटी के अंदर जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग है, इसमें एक डीजी होता है, डायरेक्टर जनरल, जो सबसे डायरेक्टर जनरल, ये आईएएस अफसर होते हैं, जेएस रैंक के होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के अफसर होते हैं, डायरेक्टर जनरल जिसे हम कहते हैं। तो ये इनके अंडर में 3 डिप्टी डीजी होते हैं, डीडीजी, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, ये डिप्टी डायरेक्टर जनरल हमारे आईएसडीएस कैडर के होते हैं, मतलब जो नीचे से ज्वाइंट डायरेक्टर, डायरेक्टर से प्रमोट होके जाते हैं ये अपने डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि आईएएस अफसर तो किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी मिनिस्ट्री में जा सकता है, तो 1 साल 2 साल 3 साल डायरेक्टर जनरल को ही रहता है, वो फिर चला जाता है तो कोई दूसरा आता, बट ये डायरेक्टर जनरल की जो पोस्ट है वो, जिसे हम महानिदेशक बोलते हैं हिंदी में, महानिदेशक, ये उप महानिदेशक, तो डिप्टी डायरेक्टर
सॉरी डिप्टी डायरेक्टर जनरल, उप महानिदेशक, ये तीन होते हैं और ये एक ही होगा, वो आईएएस होगा। तो आईएएस के अंडर में तीन होते हैं और फिर इनके अंडर में डायरेक्टर्स होते हैं। इसके बाद फिर ये डायरेक्टर्स यानी निदेशक, जैसे यहाँ डायरेक्टर हैं, इसके अंदर फिर डायरेक्टर्स होते हैं। तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके डायरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग डायरेक्टर्स होते हैं। तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके नाम मैं बता देता हूँ कम से कम आज। जैसे आप लोग जानते होंगे टीटी सेल, टीसी सेल, सेल यानी एक तरह से डिपार्टमेंट है, सीडी, सीएफआई, अप्रेंटिस, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिसका हेड एक डायरेक्टर होता है। जैसे टीटी सेल यानी ट्रेड टेस्टिंग सेल, तो जितने भी ट्रेड्स हैं, चाहे वो अप्रेंटिस के ट्रेड हों या फिर सीटीएस के ट्रेड हों, सीआईटीएस के ट्रेड हों, जितने भी ट्रेड्स के पेपर्स बनते हैं, अब तो अलग अलग जगह से बनने लगे, नहीं तो पेपर जितने बनते हैं और जितने इनका टेस्टिंग होता है और उसके बाद इवैल्यूएशन, सर्टिफिकेशन, ये पूरा काम ये सेल का होता है, ट्रेड टेस्टिंग सेल जिसे बोलते हैं। सीडी कुरिकुलम डेवलपमेंट, एटलीस्ट आप नाम जान जाइए। कुरिकुलम डेवलपमेंट, अविनाश जी आपके आए हैं, डिप्टी डायरेक्टर है, ये इस सेल में काम करते थे, कुरिकुलम डेवलपमेंट में 10-12 साल रहे हैं, एज असिस्टेंट डायरेक्टर भी हो रहे हैं। तो ये कुरिकुलम डेवलपमेंट यानी जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस और पॉलिसी बनती हैं वो सब यहाँ बनती हैं, जितने भी ऑर्डर्स और निकलते हैं, जितने भी फॉरेन डेलीगेशंस या फॉरेन कोलेबरेशंस स्किल डेवलपमेंट्स के होते हैं डीजीटी के, वो सब इनका काम है। रूल्स एंड कुरिकुलम नाम ही बता रहा है, कुरिकुलम आपका जो पाठ्यक्रम है, तो पाठ्यक्रम के जो डेवलपमेंट्स होते हैं और जो पॉलिसीज बनते हैं, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, और पाठ्यक्रम का जो मेन सिलेबस होता है वो तो सीएसटीआई काम करता है, बट पॉलिसीज का पूरा काम ये देखते हैं। सीएफआई, सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट, सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट, केंद्र पोषित संस्थाएं, जैसे आपका एनएसटीआई है, केंद्र से है, तो इस तरह ऑल ओवर इंडिया जितने भी एनएसटीआईज हैं, अब तो केवल एनएसटीआई है, पहले आईडीएटी हुआ करता था, एटीआई हुआ करता था, फोरमैन ट्रेनिंग हाईटेक, तो जितने भी थे उन सब का रेगुलेट ये सीएफआई करते हैं, जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है और ऑर्डर्स जो भी है तो सीएफआई के से होता है। अप्रेंटिसशिप, तो 1961 अप्रेंटिस एक्ट जो था तो उसको लागू करना, फिर उसमें मॉडिफिकेशन करके 2016 में नैप्स आया, नैप्स आप जानते ही होंगे, एनएपीएस, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, नैप्स। तो ये सब जो ये पार्लियामेंट से पास होता है, सब पास कराना करना, ये इस सेक्शन का काम होता है। एक डायरेक्टर लेवल के इसमें डायरेक्टर होते हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर है, पूरा सेटअप होता है, ज्वाइंट डायरेक्टर होंगे, ट्रेनिंग अफसर्स होंगे, पूरा सेटअप होता है। वर्ल्ड बैंक स्कीम या वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट, जब मैंने अभी बताया कि वर्ल्ड बैंक से, आईएलओ से, यूएनडीपी से या दूसरे फॉरेन एजेंसी से समय समय पर कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं, समय समय पर लोन लिया जाता है और उस लोन से कुछ नई स्कीम चलाई जाती हैं, कुछ नया डेवलपमेंट किया जाता है या डिफरेंट स्टेट की आईटीआई को इम्प्रूव किया जाता है, अलग अलग स्कीम है, हम आएंगे डिफरेंट स्कीम आप डीजीटी तो उसमें देखेंगे। तो इसका सब कोऑर्डिनेशन
ये वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के अंदर एक डायरेक्टर लेवल के अफसर होते हैं, वो और उनकी पूरी टीम इसको मिल के करती है और फिर उनको वो फाइनलाइज। जैसे अभी स्ट्राइप की स्कीम चल रही है इस समय वर्ल्ड बैंक से, इससे पहले और भी स्कीमें वर्ल्ड बैंक की थी जो 2 साल 3 साल 4 साल चलती रहती हैं, हर साल ये स्कीम चलती है। वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जाता है, तो अभी स्ट्राइप के अंतर्गत जैसे NSTI में ही देखिए PLC का लैब और एक वेल्डिंग का लैब डेवलप हो रहा है, तो टूल्स इक्विपमेंट खरीदने के लिए वो पैसा आया है। स्टेट गवर्नमेंट में भी ITIs के डेवलप के लिए भी इस टाइप्स के प्रोडक्ट्स, तो ये इन सब इनका काम। कोऑर्डिनेशन एक सेक्शन होता है जो डिफरेंट जितने भी DGT के सेक्शन से सबसे कोऑर्डिनेट करता है, सभी सेक्शन से कोऑर्डिनेट करके सभी सूचनाओं के एकत्र करके फिर ये DG को या मिनिस्ट्री से अगर कोई है या फिर PMO ऑफिस से, वहाँ तो हर मिनिस्ट्री से सूचनाएँ मांगी जाती हैं कि DGT में क्या हो रहा है, नया कैसे है, तो ये कोऑर्डिनेशन का काम है, कोऑर्डिनेशन सेल का काम है कि सभी जितने भी सेक्शंस हैं सभी सेक्शन से सूचनाओं को प्राप्त करके वो मिनिस्ट्री को देना है, PMO ऑफिस को देना है या दूसरे ऑफिस में देना है, तो वो उसको देते रहते हैं। और अभी एक IT सेल शायद नया बना है कि जिसमें IT के काम होते हैं, IT सेल जितने IT के रिलेटेड कोर्सेज हैं उनको ये देखते हैं, और कुछ नए सेल बनते रहते हैं। पहले एक SDI सेल हुआ करता था, अभी SDI स्कीम खत्म हो गई तो वो सेल भी खत्म हो गया, तो ऐसे चलते रहते हैं, कोई नया स्कीम आएगी तो नया सेल बन जाएगा, तो इसी में से ये डायरेक्टर्स और ये इसके करते रहते हैं। अब आगे आप नेट में भी देख लेंगे तो मिल जाएगा, बट एक कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि DGT में डिपार्टमेंट्स क्या हैं और कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ बोलिए। TT सेल ट्रेड टेस्टिंग, TC और ए बॉय, TC तो मेन भूल ही गया यार, ट्रेड सर्टिफिकेशन। ट्रेड सर्टिफिकेशन जो अफिलिएशन का काम करते हैं ITI में, जो NCVT में फाइल को पुटअप करते हैं, तो NCVT में जो आपके किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट ITI को अगर कोई नया ट्रेड चलाना है या कोई नई ITI खोलना है, तो जो भी आप ट्रेड उसमें, आजकल तो 4 कर दिया कि 4 से कम आप ट्रेड किसी ITI में नहीं खोल सकते हैं, तो उस 4 ट्रेड की जो फाइल बनती है, एक कमेटी आती है 3 लोगों की, वो कमेटी इंस्पेक्ट करके जब सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, तो उस फाइल को भेजेगी, तो उस वो फाइल TC सेल में जाती है, ट्रेड सर्टिफिकेशन, वो फिर वहाँ चेक करके फिर वो कमेटी को फाइनली, आजकल NCVT हो गया है मिनिस्ट्री में, उनको पुटअप करती है। जब वहाँ से पास हो जाता है तो उस ट्रेड का अफिलिएशन मिल जाता है, और जब अफिलिएशन मिल जाता है तो आप वो ट्रेड चला सकते हैं, यानी उसमें बच्चों का एडमिशन ले सकते हैं और अपना ट्रेड चला सकते हैं, और फिर सर्टिफिकेशन आगे होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।